दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके लिए जो शेयर रिसर्च करके लाया हूँ उसका अभी रिजल्ट आने वाला है और उस शेयर का नाम है सिकाजेन इंडिया लिमिटेड। पहले इस शेयर का नाम होता था सिकाल लॉजिस्टिक लिमिटेड। चलिए दोस्तों इस पे जो मैंने रिसर्च की है वो आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखता हूँ और आप भी इसके बाद में अपना रिसर्च करिए और इसके बारे में सोचिए। दोस्तों पिछले 5 साल के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करते हैं तो 2019 में 820 करोड़ का रिवेन्यू था, जीरो प्रॉफिट था। 2020 में 698 करोड़ का रिवेन्यू था, जीरो प्रॉफिट था। 2021 में 541 करोड़ का रिवेन्यू था, 3 करोड़ का लॉस था। 2022 में 836 करोड़ का रिवेन्यू था, जीरो प्रॉफिट था। 2023 की बात करें तो 895 करोड़ का रिवेन्यू था और 17 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें 23-24 फाइनेंशियल ईयर की तो जून तिमाही में 166 करोड़ का रिवेन्यू था, 3 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 23 में 180 करोड़ का रिवेन्यू था, 1 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 में 227 करोड़ का रिवेन्यू था, 2 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च का अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन अगर इसी क्रम में जो 3 क्वार्टर हैं इन्हीं के औसत क्रम में भी अगर देखें तो पिछले साल के रिवेन्यू से थोड़ा सा कम या उसी के आसपास होगा। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अगर इसी रेशियो में देखते हैं तो 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा जो पिछले साल का ज़्यादा था। तो पिछले साल के रिवेन्यू से भी थोड़ा कम रिवेन्यू के चांसेस दिख रहे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट से भी कम प्रॉफिट के चांस दिख रहे हैं। लेकिन ये कंपनी अगर इस क्वार्टर में पिछले इस ईयर में इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 1000 करोड़ से ऊपर की रिवेन्यू कर लेती है तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, तो ये इस शेयर की वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में रिवेन्यू उतना ही रहता है और प्रॉफिट पिछले साल से थोड़ा कम रहता है, तब भी जिनके पास में ये शेयर है उनको बने रहना चाहिए क्योंकि ये शेयर में पोटेंशियल है। जिस दिन भी ये 1000 करोड़ के रिवेन्यू से ऊपर चला जाएगा तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये शेयर कई कई चीज़ों पर काम कर रहा है, कई सेगमेंट में काम कर रहा है। ये स्टील पाइप, ये ट्रेडिंग का काम करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज होती हैं उनकी वो करता है, मार्केट ट्रेडिंग करता है। ये कंपनी जो है गवर्नर वुडवर्ड गवर्नर की कमीशनिंग करती है, ढेर सारी गाड़ियों की टाटा शोरूम की एजेंसीज हैं इनके पास में, और भी पीवीसी पाइप की फिटिंग्स पे भी काम करते हैं। तो इनका सेगमेंट तो बहुत बड़ा है लेकिन इनका रिवेन्यू बढ़ना चाहिए। जिनके पास में ये शेयर है वो बना के रखें, अपने पास में रखें, नए लोगों को नहीं करना चाहिए जब तक कि और इसकी ग्रोथ ना बढ़ जाए। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो 2023 में 60 पैसे का दिया था इन्होंने डिविडेंड, 2022 में फाइनल डिविडेंड 25 पैसे का था, 2021 में 60 पैसे का था, 2020 में 50 पैसे का था, 2019 में 40 पैसे का था। इस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी ट्रेडिंग में है, स्टील की ट्रेडिंग करती है, पाइप्स ट्यूब्स की, पीवीसी पाइप्स, स्टील ट्यूब्स, व्हीकल के शोरूम्स हैं, टर्बाइन गवर्नर की सर्विसिंग कमीशनिंग करती है। एफआईएस के शेयर 7.34% है, प्रमोटर के 55.46% है, डेप टू इक्विटी रेशियो 0.24 है, रिजर्व और सरप्लस 390 करोड़, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, बुक वैल्यू 106.73 रुपये है, 52 की हाई जो है 79.49 रुपये है, 52 लो जो है 33 रुपीज़ है। शेयर की प्राइस 3 तारीख को 68 रुपये थी और स्टॉक का पी जो है 14.47 रुपये है जबकि सेक्टर का पी 114 रुपये है, तो करीब 6 गुने नीचे, जो सेक्टर का पी है उसे 6 गुने नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी स्कोप है। और शेयर की बुक वैल्यू 106.73 रुपये है और शेयर की प्राइस 3/5/2024 को 68 रुपये थी। शेयर अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये शेयर में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ना एक दिन इसकी, हमें लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में इसकी वैल्यू अनलॉक हो जाएगी निश्चित रूप से। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और जो भी शेयर खरीदें, जो इस वीडियो में जो भी मैंने दिखाया वो मेरा एक रिसर्च है, आगे की रिसर्च आप करें, और जो भी शेयर खरीदें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट से बात करके ही खरीदें।
और वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। ये इस शेयर के बारे में मेरा रिजल्ट यही निकला कि जिनके पास है ये बने रहें, वैल्यू एक दिन अनलॉक होगी, एटलीस्ट इसकी रिवेन्यू 1000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।